बिहार की राजधानी पटना से बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पटना से बैद्यनाथ धाम यात्रा करने वाले लोग अब हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं। बिहार वासियों को साथ ही साथ झारखंड वासियों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। आज से यानी 26 मार्च 2023 से इस विमान की शुरुआत हो रही है। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, पटना एयरपोर्ट पर बाबा बैद्यनाथ धाम से पटना फ्लाइट पहुंची है, इंडिगो की फ्लाइट है और उससे यात्री उतर रहे हैं। यात्रियों के उतरने के साथ ही बिहार के बीजेपी के तमाम मंत्री, तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है, साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद हैं, उसके साथ साथ बीजेपी के कई लोग, दिग्गज लोग इस वीडियो में आपको दिख रहे होंगे। जब बैद्यनाथ धाम से पटना पहुंची है फ्लाइट तो उन्होंने यात्रियों का किस तरीके से स्वागत किया है उसकी भी तस्वीर आप देखिए। सीता साहू जो पटना मेयर हैं वो भी मौजूद है वहाँ पर। तो यात्रियों का स्वागत, और आपको बताएं कि यात्रियों का स्वागत जो है वो किया जा रहा है, और यात्री भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि इनकी स्वागत के लिए किस तरीके से वहाँ पर बीजेपी के तमाम लोग मौजूद थे। आपको बताएं कि बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पटना एयरपोर्ट से देवघर एयरपोर्ट के लिए सीधी फ्लाइट आज से शुरू हो रही है। इंडिगो की ATR 72 यानी 72 सीटों वाला यह विमान 7944/23/03 सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ऑपरेट करेगा। यह विमान देवघर से 11:15 में टेक ऑफ करने के बाद 12:15 में पटना में लैंड करेगा। पटना से 12:35 में उड़ान भरकर 1:35 में देवघर एयरपोर्ट लैंड करेगा। पटना देवघर के बीच हवाई दूरी 200 किलोमीटर है, किराया करीब 3,000 है। पिछले साल 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, तब से बाबा नगरी के लिए सीधी फ्लाइट का इंतज़ार हो रहा था। पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने 39 जोड़ी विमानों का समर शेड्यूल जारी किया। यह 26 मार्च से 28 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। नए शेड्यूल में चंडीगढ़ पटना फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। खास बात यह है कि 26 मार्च से पटना से रांची के एक की बजाय 2 विमान हो गए। एयर इंडिया ने सुबह में पहली बार रविवार को छोड़कर दिल्ली के लिए नई फ्लाइट शुरू की। विस्तार की दिल्ली 2 फ्लाइट 30 अप्रैल तक ही ऑपरेट करेगी। 25 मार्च तक के शेड्यूल में 41 जोड़ी विमान थे। स्पाइस जेट ने 2 जोड़ी विमान के ऑपरेशन को रोक दिया है। तो मुंबई के लिए 4 हैं, बेंगलुरु कोलकाता के लिए 3-3 हैं, ये रांची पुणे के लिए है। तो इस तरीके से अब आध्यात्मिक सत्संग समिति के अध्यक्ष कमल नेपानी ने बताया कि पटना देवघर हवाई मार्ग जुड़ने से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होगी, खासकर सावन के महीने में। दोनों शहरों में पर्यटनों की संख्या बढ़ेगी जिससे सरकार के राजस्व में बढ़ावा मिलेगा। तो बिहार वासियों के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी जानकारी आ रही है। तस्वीरें किस तरीके से चल रही हैं, स्वागत हुआ है देवघर के तमाम यात्रियों का पटना में, और टाइम आपने जान लिया, समय आपने जान लिया। तो अभी अब कम दूरी में महज 1 घंटे के अंदर में पटना से बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने पहुंच सकते हैं। इस खबर में इतना ही, देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।